हाँ जी, जय माता दी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं, मैं और ऋषु हिमाचल से अपने वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा जरूर। और हमारे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कोविड केसेस जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं, अब हर जगह पे हो गए हैं। ऋषु, कुछ बात करना चाहते हैं आप इस टॉपिक के बारे में, क्या करना चाहिए लोगों को, कोई राय? बस अपने घरों में रहना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है, सही बात है। और तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और काम को मारा है। हाँ, ये कौन सी क्लास में तू? मेरे को बोला अपने घर के बच्चों का भूल जाती है। ये 9th में, शानू 10th में, और हनी जो है वो, हनी जो है कौन सी क्लास में है? प्लस टू। प्लस 2 में। ऊपर चली रिंकी, पर खबिया होने वाले छत तले जाया तो, पर रिंकी भी आई, ये सब आए हुए आजकल घर में, क्योंकि इसी वजह से कि जो ये चला हुआ है। तो अभी यहाँ पे ऋषु खाना बनाते हैं, और हम सभी चारों बहू है, चारों नहीं, तीन तीन नहीं, तो कमले से दीदी रहा, तो पहले घुरा हम जो छोटी छोटी थी ना, मैं और मेरी देवरानी, हम इसी रसोई में हुई थी हमारी एंट्री। हमारी जो एंट्री, मैं बताती हूँ आपको, थोड़ी सी दिखाती हूँ, ये रसोई मैंने कभी नहीं दिखाई आपको, थोड़ी सी छोटी सी रसोई हमारे सास ससुर ने बहुत चाव से बनाई थी। उस टाइम पक्के घर नहीं होते थे किसी के, है ना, तो बहुत खुशी हुई थी उनको ये बनाते हुए। तो मतलब मेरी भी जब शादी हुई थी ना, तो हमारे मायके में तो कच्ची रसोई थी, जब हम यहाँ पे, है ना, बड़ी खुशी हुई कि हमारे को लीपने को कुछ नहीं रहा। पर अब सोच रही हूँ ना कि वो लीपने वाला सिस्टम ठीक था, साफ सफाई रहती थी, लेकिन तुम्हारे तो वो ठीक रहता था, साफ सफाई वाला बस 2 मिनट लग रहे। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ कि हम कहाँ बैठे थे, कहाँ पे हमने ये करवाई थी। ऋषि तू बोल, कुछ कुछ तो बोल। ऋषु बड़ा एक्टिव बच्चा है, सारा काम कर लेता है। गाँव के बच्चे मैक्सिमम सभी सारा काम कर लेते हैं हमारे, और हर काम में निपुण, गाय भी धो लेता है ये भी। मैं दिखाती हूँ, हमारा पुराना चूल्हा ऐसे होता है, क्योंकि जैसे बीच में कोई ऐसा बार पड़ जाता है, वीरवार है, संडे है, और नहीं संडे नहीं, मंगलवार है, तो हम चूल्हा नहीं लिपते। लेकिन ये देखो, तो ये बीच से तो पोस्ट में काला हो ही जाता है, ठीक है, ये भी हमारे भी ऐसा ही रहता है, सबके ऐसा ही रहता है। और ये इसकी चिमनी, इसकी चिमनी बहुत अच्छी बनाई थी मिस्त्री ने, इसमें धुआं नहीं लगता था हमारे को, बिल्कुल भी धुआं नहीं लगता था। और यहाँ पे लकड़ियां रखते हैं, ये लकड़ियों के लिए स्टोर की हुई जगह है, और ये आगे इस साइड खिड़की, यहाँ पे बैठी थी मैं जब वो पहला पकवान बनाते हैं बहू से ना, तो यहाँ से बनाया था वो। और ये देखिए, ये खिड़की है, यहाँ पे इस पिछली साइड से जाते हैं मेरे निचले कमरों को, जो नीचे कमरे ना वो यहाँ से जाते हैं। और ये है ऋषु की गैस, यहाँ पे ये गैस का है, और नीचे सिलेंडर है, और ये 2 आटा चावल के हैं, और एक सेल्फ ऊपर है, और ये पुराने बर्तन है हमारे, ये हमारे पुराने बर्तन है, हमारे सास ससुर के टाइम के बर्तन है, सारे अच्छे करके रखे हुए हैं सारे, मतलब सबको मिले हैं, ऐसी बात नहीं, सबको दिए गए हैं थोड़े थोड़े। तो ये है वो, और ये बाल्टी, ये दूध की, और ये जो मैं इसको दिखाती हूँ, ये जो ये वाली, ये जो ये वाला है ना, ये बर्तनों की जो अलमारी है ना, ये ऋषु के पापा, ऋषु किधर गया, बूढ़ी की, ये ऋषु के पापा लेके आए थे उस टाइम, वो शिमला में जॉब करते थे उस टाइम लेके आए थे। तो हमारे लिए ना वो भी एक नई बात हुई थी कि यार हमारे भी अलमारी हुई, हम मतलब अब मेरे तो अभी भी नहीं है, तो ये उसी टाइम की है, तो इसी रसोई में है रखी हुई है, जो भी ले ले, जिसने भी लेनी हो, तो यहाँ से निकाली नहीं है मतलब, तो ये बहुत बड़ी है, ये जो ये मैंने भी लेनी, जब हमारा किचन बनेगा ना, वहाँ के लिए लेंगे हम, बहुत अच्छी है ये, इसमें सारे बर्तन आ जाते हैं, और ये पानी के बर्तन इस तरह से, और इस तरह यहाँ पे ऋषु का ये स्टीरियो है, गाना सुनने का, यहाँ पे ऋषु गाना सुनता है, और ये बस ऐसे ऐसे करके, और ये अलमारी है यहाँ पे छोटी छोटी, और वहाँ पे दूध, मतलब ये है हमारी पुरानी रसोई, ठीक है। ऋषु सोच रहा था कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं दिखाओ भाई, ऐसे कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसे ही रहते गांव में, मेरे भी तो ऐसे ही रहते, मेरी कौन सी बड़ी भारी साफ सुथरी रहती है, काम करना या सबके भरोसे छोड़ना, मेरे तो जो भी आ गया था, इस ये आ गया है, ये बर्तन धो देगा, दूसरा आया तो दूसरा धो देगा, तो ये चलता रहता है ऐसा, थोड़ा बहुत ऊपर हो ही जाता है, या ऐसे होता कि पहले सजा दिया जी फिर बनाया वीडियो, ऐसा कुछ नहीं, हम जैसा है वैसा ही दिखा देते हैं, कोई डेकोरेट नहीं किया, ऐसे ही साफ सफाई रहती है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हम बैठते हैं आग सेकने, और ये देखो चूल्हा इस, अच्छा चलो ठीक है, देख लिया आपने हमारी पुरानी रसोई, हम इसी में दुल्हन बन के आए थे, चलो ठीक है, जय माता दी। मैं चाय पी लेती हूँ, मेरे को चाय बनाई है ऋषु ने, इसकी मम्मी पूछेंगे आप कहाँ हैं बोनी, यहाँ पे वो गई है काउशेड। तो हाँ जी, राम राम, जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? हर काम को शुरू करिए महामाई के नाम के साथ, भगवान के नाम के साथ,
और सुबह मैंने गाना गाया था, सभी लोगों ने बोला कि आप ना पॉजिटिव गाइए, तो वो भी एक सच्चाई है, सांसों का क्या है भरोसा, तो डरना किस बात का नहीं। और ये देखिए मैं जा रही हूँ छाता लेके। पता है क्या, बारिश में बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है। और आज मैंने ना, पता है क्या होता है, जब काम नहीं होता ना घर में, मतलब इधर उधर आने जाने का घास का, तो फिर खाते रहो, पीछे ना इतनी सुंदर हरियाली आती है ना, ये वाली, ये देखो बड़ी सुंदर आती है ये, यहाँ जैसे ये देखो, ये सारा ना हरा हरा बहुत सुंदर लगता है। तो जब काम नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है कि खाना पचता नहीं, और ना खट्टे खट्टे जैसे डकार लगे रहते हैं, होता है ना ऐसा, है ना। मोरे मुकुट रंग काले ने ओ मन, मोले आ मुरेलिया वाले ने ओ मन, मोले आ कुंडला वाले ने ओ श्यामा श्यामा श्यामा। मोरे मुकुट रंग, गाना ही गाऊंगी फिर मैं, बात कब करूंगी। हाँ तो चलो अभी मैं ना आपको एक बात सुनाती हूँ कि हमारे यहाँ पे, मैं नाम लूंगी गांव का, लेकिन अराउंड यहाँ पे 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में, 7 होगा 5-7 भी तो इतना की है। थोड़े दिन पहले वहाँ पे शादी थी, और वहाँ पे कुछ लोग संक्रमित आए, ये जो चली है, और उसके बाद आज की डेट में उस गांव में 22 लोग जो पॉजिटिव हैं। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में या हिमाचल में या कहीं भी, सबसे बड़ी जो बात है जिससे कि ये केसेस फैल रहे हैं, वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो शादियां हैं, ठीक है, अरे क्या था पैर के नीचे, मैंने सोचा सांप है। शादियां हैं, जितनी भी शादियां हो रही हैं उनसे मतलब बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो और हाँ एक बात मैं और बताऊंगी, और सामने गांव दिख रहा है, एक बात मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मैं सैल्यूट करती हूँ हमीरपुर के गांव का, मुझे पता नहीं है कि लड़का है निर्मल, उसको मैं, और मैं तारीफ करती हूँ उसकी, उसकी शादी थी, उसने सबको मना कर दिया, पंजाब केसरी वालों ने एक है उन्होंने डाली है न्यूज़, तो निर्मल नाम है उसका। तो उस लड़के ने शादी थी, अकेले गाड़ी ले गया, तैयार हो गाड़ी सजाई, खुद को सजाया जैसे भी था, बाकी लोग घर में रहे, कोई दोस्त को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। बहुत अच्छी बात करी आपने निर्मल, अगर आप कहीं देख रहे हो मुझे और हमीरपुर का कोई भी, तो अकेला गया दुल्हन लाने, और वहाँ पे भी सिर्फ 2 बंदे थे, दूल्हा दुल्हन और पंडित जी। ये हमीरपुर की बात है, काफ़ी सारे लोगों ने सुनी होनी, और बहुत अच्छी बात है ऐसी, अगर सावधानी हम लोग बरतेंगे। चलो शादी तो करनी पड़ेगी, जैसे मुहूर्त निकलते हैं उसी हिसाब से शादियाँ तो होगी, लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि बाराती बैंड बाजा या कुछ ये सब करके लोगों को इकट्ठा करके हमारी शादी यादगार बन सकती है, ऐसी बात नहीं है, बिना किसी उसके भी आएगी आएगी आएगी, बिना किसी इस तरह का हमारी शादी याद, तो उस बंदे की शादी भी तो यादगार बनेगी ना, कि कल्ला ही गया था दुल्हन को लाने, गाड़ी सजाई अपनी और बंदा चला गया, और फिर उसने एक मैसेज दिया सबको कि देखिए शादियां करिए, लेकिन मतलब भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नहीं तो स्थिति इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ये चेन नहीं टूटेगी। और जो लॉकडाउन भी हुआ ना, ये जो लॉकडाउन भी हुआ है, इससे मुझे नहीं लगता कि जो चेन टूटेगी हमारी, इससे क्या होगा, काफ़ी चीज़ें खुली हैं, बहुत सारी अगर होना है तो प्रॉपरली बंद करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से जो है ये नहीं होगा। और देखो अभी हमारे नज़दीक शादियों की बात, तो ये मानते क्यों नहीं लोग भाई, बहुत खतरनाक बीमारी है और शादियों से सबसे ज़्यादा फैल रहा है, ताला नहीं खुल रहा, आएगी आएगी आएगी, इसको भूख लगी। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, यही मेरा मैसेज है लोगों के लिए कि प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ऐसा ना हो कि इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि हमारे हाथ में कुछ ना रहे और हमें बहुत से अपने को खोना पड़े। तो घर में रहिए, सेफ रहिए, बस शादियों में बथेरे हैं 2 दूल्हा दुल्हन और पंडित, वो भी ये करके। तो ठीक है अभी मैं गाय दूलूँ, मैं पहुंच गई हूँ कौशेड, और फिर मैं दिखाती हूँ आपको
अभी मैं आपको ना अपना वो दिखाऊंगी पुराना रसोई घर जहाँ पे हम दुल्हन बन के आए थे, ठीक है? तो चलो, हाँ, और अभी भी बारिश के आसार है और कल भी बहुत बारिश हुई यहाँ पे, रात को भी हुई और दिन को भी हुई आज। तो अभी भी आप मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत गंदे वाला मौसम बना हुआ है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये बादल देख लीजिए आप, और बहुत बुरे हालात हैं, पर आज तक ही है बारिश, फिर शायद जो है वो बंद हो जाएगी, मतलब फिर नहीं है बारिश। हाँ, मां देना। ये देखिए इस साइड, चारों साइड दबी है काले काले बादलों से, और ये देखिए। तो चलिए बारिश लग गई, हम अंदर चलते हैं, अभी गाय दूध लेते हैं। भगवान, तो ये देख सकते हैं आप, हर कुछ बारिश लगी, अंधाधुंध बारिश जिसको बोलते हैं, तूफानी बारिश। इतना ही तूफान है, और देखो ओले पड़ रहे हैं, ओला भी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखो, ये देखो कितने बुरे हालात हैं, ये तूफानी बारिश है, भयंकर बारिश है, भयंकर जिसको बोलते हैं। अरे मैं घर कैसे जाऊंगी? थोड़ा सामान था बाहर, उसको लाना पड़ेगा, खेत भर गया देखो तो।